आशीर्वाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भव्य और दिव्य कुंभ आप अपने आखिरी चरण में है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के शाही स्नान के बाद सन्यासी अखाड़े वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गए थे। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के बाद अब बैरागी अखाड़े भी कुंभ मेले में अपना स्थान की ओर रवाना होने लगे हैं। निर्मोही बैरागी अखाड़े के संतों के जाने के बाद अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र दास ने कहा कि जो आता है उसे जाना ही होता है। हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने उनसे खास बात। कुंभ मेले में अब तंबू और पंडाल सब यहाँ पर उखड़ रहे हैं, धीमे धीमे इनको लोग समेट रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पूरा ये निर्मोही अनि अखाड़ा है, निर्मोही अनि अखाड़ा जहाँ पर काफी रौनक रहती थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तंबू है और तमाम जो यहाँ पर सामान समेटा जा रहा है, जो उनके संत हैं यहाँ सामान को सब पैकअप कर रहे हैं और ये अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। आप देख सकते हैं जो पूरा ये क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम सामान है जो अब समेटा जा रहा है, इसको लगातार इनको ट्रक से जो जगह जगह भेज रहे हैं जहाँ से सामान ये आया था। मेरे साथ में निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी हैं, जो कि निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करेंगे। अब आप लोग अपने गंतव्य की ओर जाने वाले हैं, तो आप लोग किस तरह तैयारियां कर रहे हैं जाने की और कहां कहां जाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो ऐसा है कि जो है मेले में लोग आते हैं और फिर जो है सबको जाना पड़ता है, तो उसी तरह आया है सो जाएगा, तो जो आया है वो तो जाएगा, तो इसीलिए साधु संत हैं देश विदेश और भारत देश के, कहीं कोई जंगल में रह रहा है, कोई सिटी में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, तो उसी तरह अपना अपना दल समूह बना के आते हैं। जिस तरह आप यहां पर आए, आपने पूरा कुंभ देखा, तीन तीन शाही स्नान आपने किए, तो इस बार का जो कुंभ मेला है क्या संदेश देकर गया है? कुंभ मेला भव्य और दिव्य, ऐसा कुंभ मेला शायद न भूतो न भविष्यति। इतिहास में पहली बार कुंभ मेले के इतिहास में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री आए हों और गंगा पूजन किए हों और साथों साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है सीएम वो भी साधु आदित्यनाथ जी। तीसरा ये कि जो है कुंभ मेले में भी अभी तक जितने अधिकारी आए दो सब नौजवान थे, चाहे मेला अधिकारी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, सब नौजवान थे। तो ये तीन चार विषय ऐसे हैं जो न भूतो न भविष्यति। हम सब जो है अभी एकत्रित हो गए, अब सम्पन्न अपने अपने जो है दिशा को जा रहे हैं और जो है आपके चैनल के माध्यम से सबको साधुवाद और आशीर्वाद जो है भगवान से प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। साधुवाद और आशीर्वाद दे रहे हैं श्री महंत राजेंद्र दास जी। का कहना है कि काफी दिव्य और भव्य कुंभ इस बार का रहा। समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी।